नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गोपाल पंडित जी। तो मित्रवर, आज हम बात करने वाले हैं माता दुर्गा का देव्याह कवच का जो पाठ करते हैं उसके बारे में। मित्रों, ये देव्याह कवच जो है बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में है, संस्कृत भाषा में। मित्रों, इसको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मुखारविंद से श्री मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि के द्वारा कहने पर कहा था। मार्कंडेय जी के अनुरोध पर उन्होंने अनुरोध किया था कि हे पितामह, आप बताइए कि इस संसार में सब प्रकार से रक्षा करने वाला और सब कुछ प्रदान करने वाला कोई ऐसा साधन हमें बता दीजिए जो बहुत लघु यानी कि छोटा हो और बहुत उत्तम हो। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं आपको देव्या कवच के बारे में बता रहा हूँ। देव्या कवच का मतलब ही यही होता है जो कवच रूप में आपको बांध रखे, किसी प्रकार की दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव, किसी प्रकार की गलत दैवी निगेटिव थिंक आपके अंदर ना आए ना आपके ऊपर आए। इसलिए ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय को ये सुनाया था और कहा था कि इसको जो प्रतिदिन पाठ करेगा या सुनेगा उसको किसी प्रकार की भय बाधा नहीं परेशान करेगी, उसके पास हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रहेगी। तो मित्रों, मैं आज माता रानी की कृपा से देव्या कवच का पाठ कर रहा हूं और आप लोग इसको ध्यान से सुने। जय माता दी। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडे कवचस्य ब्रह्मा ऋषे अनष्टौ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बापेत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम यदगुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्तु गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणस्य महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उद्कान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणशङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराहे महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवे गरुणासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारे शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रणमारूढा देव्यः क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं दोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च
धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिने त्राहि मां देवि दुष्पृक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयां अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतेच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिने उदेच्यां पातु कौमारी एशन्यां चूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे दिशश्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिने चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिने कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अदरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकायां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकारे च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवावहि कण्ठे नलिकां नलकूबरे स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेद्बाहु मे वज्रधारिणे हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्चोले चरे रक्षेत् कुचौ रक्षेत् कुलेश्वरे स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोक विनाशने हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणे नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामि कामे ड्रङ्गुदे महिषवाहिने कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्धवासिने जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिने गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलेषु सी रक्षेत् पादासस्थलवासिने नखान् दंष्ट्राकराले च केशांश्चैवोर्ध्वकेशने रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं बागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांस्यान्यस्ति मेदांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तञ्च मुकुटेश्वरे पद्मावते पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखेन खज्ज्वालामभेद्य सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायं छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणे प्राणापानौ तथा व्यानामुदानञ्च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशः कीर्तिं च लक्ष्मींश्च धनं विद्या च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानं स्वपदा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्सानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेत्तु यदीच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभाश्च विजयः सर्वकामिकः यञ्चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनाभितः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसद्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रामपि मृत्युमिवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखे चराश्चैव जलदाजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला राकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा राकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाः स यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवैताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचैरिति संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तसतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकानरम् तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रके देहान्ते परमं स्थानं यच्चुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ जय जय श्रीदेव्या कवचं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। तो जाते जाते मित्रों एक बात और आपको बता दें कि इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन पाठ करता है या सुनता है उसको कभी भी स्टूडेंट वगैरह नहीं होते हैं। कहीं भी यात्रा करने से पहले आप इसका पाठ करके माता रानी को समर्पण करके फिर अपने घर से निकलिए, आपके साथ किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो आप प्रतिदिन पाठ करें और पाठ करते करते इसको याद भी करें। जय श्रीमन्नारायण।